किसानों के सारे कर्जा को माफ करेंगे। किसानों के लिए जो बिजली अधिनियम जन विरोधी अधिनियम है इसको हम वापस लेंगे। ये सारी बात सरकार वादा खिलाफी किया है, सरकार आज मुकर रही है। इसी को लेकर के हम लोगों ने ये महापंचायत किया। सरकार को सारी मांगे किसान मजदूरों की नाजायज लगती है और अडानी अंबानी की सारी मांगे उनको जायज लगती। मुट्ठी भर पूंजीपतियों का ये कर्जा माफ कर सकती है तो 20,00,000 करोड़ रुपया किसानों को ये क्यों नहीं दे सकती? आज जो विपक्ष में है कांग्रेस यूपीए की सरकार, जब ये सत्ता में थी इन्होंने भी किसान को छला है। हर जगह के हर राज्य का किसान जो है वो आज रामलीला मैदान में पहुंचा हुआ है। अब इनसे बात कर लेते हैं, कहां से आए हैं, कहां से आए हैं आप? हम बिहार से आए हैं। हाँ, बिहार से आए हैं किसान मजदूर महापंचायत। जी, किसान मजदूर महापंचायत के रामलीला मैदान में इसमें भाग लेने आए हैं और अच्छी खासी संख्या हमारी है, हजारों के तादाद में हम बिहार के किसान मजदूर आए हुए हैं। मांगे सरकार अभी तक नहीं मांग रही है। सरकार 13 महीने के किसान मजदूरों के उस आंदोलन में जो 3 कृषि कानून को सरकार ने वापस लिया और उसी समय किसानों से बात ये किए थे कि किसानों के फसलों पर MSP कानून की हम गारंटी देंगे, किसानों के सारे कर्जा को माफ करेंगे, किसानों के लिए जो बिजली अधिनियम जन विरोधी अधिनियम है इसको हम वापस लेंगे। ये सारी बात सरकार वादा खिलाफी किया है, सरकार आज मुकर रही है। इसी को लेकर के हम लोगों ने ये महापंचायत किया और आज इस सरकार का ये कहना है कि कुछ मांगे जो है वो नाजायज हैं। सरकार को सारी मांगे किसान मजदूरों की नाजायज लगती है और अडानी अंबानी की सारी मांगे उनको जायज लगती है। यही तो है ये सरकार की मैंने कारगुजारी। एक बात बताइए, हर फसल पे जो है वो MSP देना क्या जो है वो मतलब दे सकती है सरकार? सरकार किसान है, सरकार आराम से दे सकती है। 18,00,000 करोड़ रुपया मुट्ठी भर पूंजीपतियों का ये कर्जा माफ कर सकती है तो 20,00,000 करोड़ रुपया किसानों को ये क्यों नहीं दे सकती जो कि इस देश के अन्नदाता हैं? ये किसान मजदूरों के मेहनत से ही, चाहे महानगर का ये अट्टालिका चलता हो, ये इनके मेहनत से बना है, इनके पसीने से ये निर्मित हुआ है और इनको ये दूसरी बार जब किसान आंदोलन अभी आगाज हुआ था 13 मार्च को शंभू बॉर्डर पर रोक दिया, उसमें सभी किसान दलों ने भाग नहीं लिया, सिर्फ एक क्षेत्र के जो है एक राज्य के किसान जो है वो आगे बढ़ रहे थे, बाकी किसानों में एकता कहाँ गई थी? ना, वो किसानों की एकता है, बल्कि कुछ किसान संगठनों ने अपने जायज सवालों को लेकर वो आए और हमारे संयुक्त पूरे क्यों नहीं आए? जब मांगे सही थी तो सभी किसान दल एक साथ क्यों नहीं? वो उनसे हमारी बात नहीं हुई, वो अकेला लड़े, लेकिन जब उन पर हमला हुआ और उनके नीतियों के साथ ये सरकार ने छलकानी किया, हम पूरे संयुक्त किसान उनको अकेला नहीं छोड़े। हमने वो सवाल को लेकर, चूंकि वो सवाल सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों का। सरकार का ये कहना है कि विपक्ष जो है विपक्ष से राजनीतिक से प्रेरित है ये किसान। सरकार ये पहले भी कहती रही है, आज भी ये कहती रही है, ना हम पक्ष के तरफ है ना विपक्ष के तरफ है, क्योंकि आज जो विपक्ष में है कांग्रेस यूपीए की सरकार, जब ये सत्ता में थी इन्होंने भी किसान को छला है, इन्होंने भी किसान के खिलाफ जन विरोधी नीतियों को लागू किया और उसी नीति को ये सरकार भी आज 4 कदम आगे बढ़ करके लागू कर रही है। इसलिए हमारी लड़ाई ना उनके पक्ष में ना इनके विपक्ष में, हमारी लड़ाई तमाम सत्ताधारी दल के विपक्ष में है और किसान मजदूरों के पक्ष में। ये लड़ाई क्या लग रहा है, सरकार मानेगी? चुनाव भी नजदीक है, सरकार ना मानेगी तो किसान के बाजुओं में ताकत है। जैसे 3 काले कानून को हटाने के लिए, वापस लेने के लिए इनको बाध हमने किया था, उसी तरह इनको बाध कर देंगे और सरकार मानेगी, ये लंबी लड़ाई का आगाज होगा और सरकार को झुकना होगा। अब क्या आज महापंचायत के बाद लौट जाएंगे या फिर कोई आगे का रणनीति? महापंचायत के बाद हम लोग अपने अपने घर वापस जाएंगे और महापंचायत में जो लिया गया निर्णय है वो निर्णय को हम लोग अपने अपने राज्य में, अपने अपने गाँव में छोटा छोटा महापंचायत करके देश के कोने कोने में ये लड़ाई को हम जारी करेंगे। क्या निर्णय लिया गया है आज? वो हमारे नेता बता देंगे, वो सर्कुलर आएगा कि ये MSP कानून की गारंटी अगर ये सरकार नहीं करती, ये सरकार अविलंब वार्ता नहीं करती, इन मांगों को नहीं मानती, तो चुनाव के साथ साथ हमारा आंदोलन भी चलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बिहार से ये लोग जो है वो इस आंदोलन में यहाँ पे पहुंचे थे और तमाम लोगों की मांग जो है वो MSP गारंटी और जो मांगे हैं किसानों की वो की जा रही हैं। आप लोग क्या समझते हैं, मांगे जो है वो कहाँ तक जायज है, हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं
सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।